दोस्तों नमस्कार और स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुबह से मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा मैसेजेस आए हैं अलग अलग जगह से। कई सारे दोस्तों ने जो है एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो एक सर्कुलर आया है या जो एडवाइजरी आई है 22/7/21 की, ये जो एडवाइजरी आप देख रहे हैं या चाहे तो ये एडवाइजरी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो है ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों जो सब्जेक्ट है ये है रिक्वेस्ट टू एंश्योर बैन ऑन कीपिंग द एरियल बर्ड इन केज, मतलब जितने भी बर्ड्स हैं उनको केज में रखने के रिगार्डिंग जो है ये एडवाइजरी जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने सारे जो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल स्टेट्स को भेजा है। और क्या है ये, क्यों भेजा है और इससे क्या इम्पैक्ट जो है जो बर्ड्स रखे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो है एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर किया जाए। तो दोस्तों देखिए ये एडवाइजरी जो है आज ही मुझे भी मिली हुई है, ऑनलाइन मैंने डाउनलोड किया है। और जहां तक मैं इसके मतलब जब मैं इसको पढ़ा, जब मैंने इसको अच्छे से पढ़ा तो कुछ चीजें जो मेरे सामने आई, मैंने इस पर जो है कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की, कुछ एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनसे भी मैंने बात की, उसके बाद बाकी कुछ जो है कई चीजें और अभी इसमें बाकी है तो मैं आगे चल के आपको आगे के वीडियोस में शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों देखिए जो अभी तक का अपडेट है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें देखिए पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो ये एडवाइजरी जो या एडवाइजरी जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने जारी किया है ये कुछ जो है कोर्ट्स में पेंडिंग केसेस थे, जो कुछ जैसे इसमें जो एग्जाम्पल में दिया गया है एक गुजरात हाईकोर्ट में एक केस था उसका इन्होंने जो है कोर्ट कंप्लायंस का हवाला दिया है, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में किसी एक कोर्ट केस का जजमेंट दिया है, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई एक केस हुआ था उसका हवाला दिया है। और इन्हीं सब का हवाला देते हुए इन्होंने जो है इसको जो सेक्रेटरी है एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन्होंने सारे स्टेट्स के जो है चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ है और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को लिखा हुआ है, डीजीपी को लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए मैंने जहां तक मेरी समझ में आ रहा है दोस्तों और जो कि मैंने सारे जो जितने भी जजमेंट्स इसमें दिए हुए मैंने सब डाउनलोड कर लिए हैं, अलग अलग सोर्सेस से मंगवा लिए हैं और जहां तक मुझे समझ में अभी तक आया है दोस्तों कि ये जो भी जजमेंट्स है या इसमें जो भी है तो कुछ चीजें जो है वो इनमें यह है कि जितने भी थे या जो भी इसमें केसेस है ये सब में कहीं ना कहीं एनिमल क्रुएल्टी इन्वॉल्व है। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं जो है जो भी केसेस कोर्ट के संज्ञान में आए हैं इसमें जो पीसीए एक्ट 1960 का है उसका इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं जो क्रुएल्टी के केसेस हुए हैं, एनिमल के राइट्स का वायोलेशन हुआ है तब जाके ये केसेस हुए हैं, तब कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की हुई है दोस्तों। और इसका क्या असर हो सकता है दोस्तों, देखिए इसका तो अभी तक जो है कोई किसी के पास कंफर्म जानकारी नहीं है और मेरी आज बात जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ लोगों से हुई तो उनका यह कहना है कि क्योंकि कोर्ट में कुछ एनिमल क्रुएल्टी से रिलेटेड जो केसेस थे, जनरली ये सब जो जितने भी मुकदमे इसमें दिए गए हैं ये सब जो है पेट शॉप ओनर्स थे या पेट शॉप वाले कोई ना कोई इनका कनेक्शन जो है पेट शॉप से था जो जिनके ऊपर जो क्रुएल्टी के केस लगा, क्रुएल्टी के केस के बाद वो कोर्ट में गया, कोर्ट से जो सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो है मैं एडीजे कोर्ट में, एडीजे से फिर हाईकोर्ट तक गया और कुछ कुछ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया है। तो ये जितने भी केसेस है सब में जो है कहीं ना कहीं दोस्तों पेट शॉप वालों का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद इसमें जो है इनके ऊपर चार्जेस जो है एनिमल क्रुएल्टी के चार्जेस लगे हैं तो ये उसके रेफरेंस में। अब इसका इम्पैक्ट जो है अगर इंडिविजुअल कोई पेट ओनर है इस पे क्या पड़ता है या जो पेट शॉप वाले हैं उस पे क्या असर पड़ता है ये तो दोस्तों अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। क्योंकि देखिए दोस्तों अपने यहां पेट शॉप के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग रूल्स बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है अगर जो है जो रजिस्टर्ड पेट शॉप ओनर है या जो रजिस्टर्ड जो एग्जॉटिक बर्ड्स जो है रजिस्टर्ड है उनको बेचता है तो ये कहीं ना कहीं उनके वो भी है कि भाई हमने तो पैसे दिए हैं, सब कुछ नॉर्म्स फुलफिल किए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसा किया जाए तो ये कहीं ना कहीं उनके भी बिजनेस को हैम्पर करता है। ये जो एग्जॉटिक पेट्स जिन्होंने रखे हुए हैं ये और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, बकाया उनका जो पेट रजिस्टर्ड है उसके बाद अगर उनको छोड़ने कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये उनके भी इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए इसमें भी बहुत से क्लैरिफिकेशन आने भी बाकी है और जहां तक मेरी बात हुई एनिमल वेलफेयर बोर्ड वालों से तो उनका कहना है कि क्योंकि हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था और उसका कंप्लायंस इन्हें करना था तो उसी के कंप्लायंस में ये सर्कुलर जो है या जो एडवाइजरी है इन्होंने जारी कर दिया है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं ये जो है कंसर्न स्टेट्स के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले हैं या जो वहां के लॉर्ड जो पुलिस है
एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे इसे इम्प्लीमेंट कराती है, या क्या क्या चेंजेस, या कुछ अलग से अपने स्टेट में नया रूल बना के, या कुछ जो भी है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है उनका है, तो इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा वो देखेंगे। बट क्योंकि कोर्ट का कंप्लायंस था, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था और इन्हें कंप्लायंस करना था, इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी निकाल दी दोस्तों। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी पैनिक मत होइए, अभी क्लैरिफिकेशन आएगा, क्योंकि जिसके पास लीगल पेट्स रखे हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं और जो सारे नॉर्म्स फुलफिल करते हैं, कहीं से भी जो उनके बर्ड के खिलाफ क्रुएल्टी नहीं कर रहे हैं, भाई जो भी रखा है शौक से रखा है, अच्छी स्पेस दे रहा है, अच्छा डाइट दे रहा है, अच्छी तरह रखा है, तो जाहिर सी बात है वो छोड़ेंगे नहीं। और अगर वो अपने बर्ड खुले आसमान में छोड़ देंगे तो, क्योंकि एक्जॉटिक पेट्स है तो जाहिर सी बात है जिंदा रहेंगे नहीं। तो ये चीज भी जो है हमको जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट देखेगा वो ये सब चीजें भी अपने ध्यान में रखेगा, और ये सब देखने के बाद ही दोस्तों वो आगे का फैसला लेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अभी पैनिक मत होइएगा, जो ये सर्कुलर आया है या जो एडवाइजरी आई है इसको देख के पैनिक मत होइए दोस्तों। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन या इसमें भी और बहुत से क्लैरिफिकेशन आने बाकी, क्योंकि देखिए दोस्तों जो भी जजमेंट्स है मैंने करीब जो है ये तीन जजमेंट जो इस एडवाइजरी में दिए हैं वो तीनों जजमेंट पढ़ा है, पूरी तरह डाउनलोड करके पढ़ा, और इन सब में जो है एक चीज कॉमन है दोस्तों कि सब जो है पेट शॉप से रिलेटेड कहीं ना कहीं थे, और सबके खिलाफ जो है एनिमल क्रुएल्टी के केसेस चल रहे थे दोस्तों। तो जब इनके खिलाफ एनिमल क्रुएल्टी के चार्जेस है तो कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर होगा ही होगा। अब किसी केस में जो है 28 केज में जो है करीब अराउंड 300 या 400 बर्ड्स रखे हुए थे दोस्तों। तो देखिए कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी रूल का वायोलेशन किया है, तभी जाके ये सब जो है चीजें सामने आ रही है। बट ये अभी हम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अब इसमें बहुत से क्लैरिफिकेशन आने बाकी है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करती है जो कंसर्न बॉडीज है उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आना भी बाकी है दोस्तों। तो आगे के वीडियोस के लिए वेट करिएगा दोस्तों, मैं जैसे ही कुछ भी अपडेट मुझे मिलेगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करता रहूंगा। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी जानकारी हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और एक चीज और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।